हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका स्पर्म काउंट कम हो गया है और साथ ही साथ उनकी जो मनी है वो पतली हो गई है, जिसकी वजह से उनकी टाइमिंग कम हो गई है। तो दोस्तों, नुस्खे को बनाने और इस्तेमाल करने के तरीके को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले छोटा गोखरू चाहिए होगा, 100 ग्राम, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली और 1 ग्राम ज़ाफ़रान। दोस्तों, आपको इसको बनाने के लिए इन तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से धूप में सुखाकर ग्राइंडर में इसको फाइन पाउडर में पीस लेना है और इसका इस्तेमाल रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच लगभग 10 ग्राम आपको गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इसके इस्तेमाल करने से आपका जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ने लगेगा, आपका जो मनी है वो गाढ़ी होने लगेगी और आपकी टाइमिंग में भी बहुत जल्दी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग इसको घर पे बनाकर तैयार करना चाहते हैं वो इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स की मदद से इसको घर पे तैयार करके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारा ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं जिसको हमने सफ़ेद मूसली, काली मूसली, तालम पंजा, ज़ाफ़रान, इलायची, अश्वगंधा, तोंदरी, बहमन सफ़ेद, बहमन सुर्ख, दालचीनी, अखरोट, छोटा गोखरू, सफ़ेद मूसली, जायफल, जावित्री और चिलगोदा जैसी जड़ी बूटियाँ डालकर और मगज़ डालकर हमने इसको तैयार किया है। दोस्तों, इसको प्रयोग से 7 दिन में ही आप देखेंगे कि आपका जो सीमन है वो भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, टाइमिंग आपकी बढ़ने लगेगी, साथ ही साथ स्पर्म काउंट भी आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसके बेशुमार फायदे को पाने के लिए आप जल्द से जल्द हमें दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।